हमको याद करता हूँ। अभी बाबा कहता मुझे निरंतर याद करो, तो आपको निरंतर याद करना। हम निरंतर ईश्वर को याद करते थे 24 घंटा, और पूनम बहन जी का जो अलविदा तनाव हुआ था उसी से यहाँ ज्ञान में जुड़े थे, परंतु तो सिर्फ एक कारण से यहाँ जुड़े थे कि हमें हमेशा से लगता था कि अपने आप से हम डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं, हमको कोई मीडिएटर कभी नहीं चाहिए था, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमको मिला था। और जब यहाँ आए तो मैंने दीदी को बोला कि बस यही एक चीज़ ठीक लगती है, इसीलिए हम आते हैं, और बाकी जो आके फरिश्ता और स्वर्ग और सारी ये मूर्तियाँ और सब लगाती हैं, सब बड़ी फेरी टेल लगती है मुझे, और प्रॉबली इससे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और बहुत बार मुरली भी सुनते थे, और बहुत बार सकाश से भी हम जुड़े हैं ऑनलाइन, तो जब वो देखते थे तो समझ नहीं आता था कि सिस्टम क्या होगा इसका, टू रीच देयर, कैसे पहुंच सकते हैं वहां पर, और अपने को ग्रो करने के लिए आए थे। तो बस वही है कि वही अच्छी बातें जो हम लोग शायद बचपन से सुनते आए हैं कि अच्छे अच्छे गुण विकसित करने चाहिए, वही जो हम बचपन से करते आ रहे हैं वही तो ये भी बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छी बात से जुड़े रहते हैं तो अच्छी रीइंफोर्स होता रहता है, तो जाते रहना चाहिए। तो दीदी से एक दिन मैंने यही बात कही तो बोली ठीक है, इतना तो अच्छा लगता है, तो आप आते रहिए, धीरे धीरे वो भी समझ आने लगेगा। अच्छा, तो हम आते रहते थे, मगर हम बार बार इस बात से, फिर हम क्लास लेने यहाँ पर गाड़ी आई तो गांव में क्लास का हुआ, तो मैंने दीदी से कहा, मैं एक दिन गई जब क्लास लेने, मैंने आत्मा के ऊपर बताया, और बहनों ने कहा कि आपने बहुत अच्छा बताया, तो हमने कहा लेकिन हम खाली इतना ही बता सकते क्योंकि यहीं पर मेरा विश्वास है कि मैं आत्मा हूँ, और बस इससे ज्यादा मैंने दीदी से भी कहा। नेक्स्ट डे जब गए तो हमने कहा दीदी हम वही आत्मा वाला ही क्लास लेंगे, क्योंकि जहाँ मेरा विश्वास है, जो बात मेरे समझ में आती है, जो मैं इंटरनलाइज करती हूँ, मैं सिर्फ वही बताऊंगी क्योंकि वही मैं अच्छा बता पाऊंगी। तो दीदी ने कहा अच्छा ठीक है, नहीं लेकिन आज ये वाला क्लास, और उन्होंने पूरा समझाया, तो जितना इन्होंने बताया था उसमें जितना मेरी समझ से ग्रो हो सकता तो वो करके क्लास हो गया। फिर जब मधुबन में तपोवन में रमेश भाई से मिले, और इन्होंने ये वाला मेरे संग संग चलते बाबा सिखाया, तो मेरे संग संग चलते बाबा, मेरे संग संग चलते बाबा, जब ये बताया तो वास्तव में मुझे लगता था कि मैं हर समय बाबा के साथ, मतलब ईश्वर के साथ, प्रभु के साथ, शिव बाबा के साथ रहती हूँ, मगर उनसे उससे जो है वो ज्यादा लगा कि और ज्यादा साथ रह पाते हैं, क्योंकि जब किसी कर्म में और ये लौकिक दुनिया के साथ जुड़ते हैं तो दिमाग हट जाता है, लेकिन फिर जब इससे याद आ जाता था तो फिर साथ हो जाते थे, तो ये एक चीज बहुत अच्छी लगी। लेकिन जब आपका यहाँ आने का हुआ और बार बार दुविधा हो रही थी, तो मैं इनको भी बार बार बोल रही थी कि दीदी को और आप लोग को पहले यहाँ आकर डिस्कस करना चाहिए था कि कब बुलाना है, सारे भाई बहनों को पूछना चाहिए था, और अभी कोई नहीं आया तो कितना खराब लगेगा। तो मैं दीदी को, मेरे अंदर भी बड़ा ये लग रहा था कि कम लोग हुए तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा, भट्टी में रमेश भाई को कैसा लगेगा कि हम लोग 20 लोग बैठे हैं या 10 लोग बैठे हैं, परंतु वही वाली बात है रमेश भाई की, आज मतलब प्रूव होते हुए देखी कि पहला संकल्प एक्चुअली वर्क करता है, तो ये एक बहुत अच्छी सीख थी कि पहला संकल्प एक्चुअली वर्क करता है। और अब लगता है कि जब हम आ रहे थे आज हम लोग पौने, मतलब आधा घंटा पहले नॉर्मली घर से चलते थे, आज सिर्फ 10 मिनट पहले चले थे, तो बिल्कुल श्योर थे, रास्ते पर बोल रहे थे आज सीट नहीं मिलने वाली है, लेकिन मन में सोचा कि वो कोने वाली सीट आगे वाली तो कितना अच्छा होगा। तो यहाँ आए तो एक बहन ने उस पर बैग रखा हुआ था, मम्मी का हाँ आज नहीं मिली ना, सोच रहे थे लेट हो गए, फिर वहाँ पीछे बैठ गए और उनसे पूछा यहाँ कोई बैठा है, तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बैग उठा कर नीचे रख दिया, और मैं आगे आकर के वहीं बैठ गई। जो आपका फरिश्ता है ये सब वजन दे रहा था, क्या हुआ ये हुआ भट्टी? हाँ, बहुत सारे टिप्स। ये भट्टी की सबसे अच्छी बात जो लगी कि लगता, लोग कहते थे ये कर लो, लेकिन वो करेंगे कैसे, चलेंगे, सब कहते थे चल लो, जैसे स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो पेरेंट्स कहते थे जाकर वो इम्तिहान कर लेना, वो कर लेना, अब करेंगे कैसे ये नहीं मालूम था। रमीर भाई ने बहुत इजी टिप्स दे दिए हम लोग को हर चीज करने का, खुश रहो तो यूं कर लो हो जाएगी खुशी। करो करो सभी बंद करो, मैं मुस्कुराती हुई आत्मा हूँ, बोलो 1 2 3 4 5। तो बहुत अच्छा इजी टिप है, जब भूल गए तो यूं यूं कर लो आस्ती आ जाएगी। बाबा ये है मेरे संग संग चलते हैं। फरिश्ता को अच्छा लगता है, फरिश्ता इतना सिंपल। हाँ,
सकाश टीम से जुड़े वो कहते थे वहां जाकर के ऐसे सकाश दे दो, हम उसको आगे बढ़ा देते थे क्योंकि मेरे समझ ही नहीं आता नहीं है क्या। तो अब की कल अपनी का इतना इजी था ये कि अपना ही एक फॉर्म जो जब उड़ने वाली बात होगी तो हमेशा हल्की चीज होगी वही उड़ेगी, वो कितना साइंटिफिक और लॉजिकल है कि हम अपने को हल्का बना लें, हवा जैसा होंगे तो हम उड़ सकते हैं और जहां जहां जितने जगह जाना चाहे। कोनिंग की बात होती थी, मैंने अपने उस पर लिखा भी, अपने कोन्स बना लो, अपने कोन्स बना लेंगे तो हम जितने जगह चाहे उतने जगह अपना ही एक स्वरूप भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच। पर ये करना है अपना स्वरूप कोई ना बनाए, नया स्वरूप बनाए, नया स्वरूप। तो एक ये बहुत अच्छी चौथी चीज आगे बढ़ने की बात। हम यहाँ पर आए थे और जब जुड़े थे तो दीदी से हमेशा ये कहते थे, मतलब अपने अंदर तो यही सोच कर आए थे कि कुछ नया मिलेगा जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। जो तपस्या वाली बात भाई ने मुझे ये बताई औसम थी कि अपने आप, हम लोग जब स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उनसे कहते हैं कुछ एक्स्ट्रा करोगे तब ज्यादा आगे बढ़ोगे, थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी ना, रोज वाली पढ़ाई से एग्जाम नहीं पास होएगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा घंटे बैठना पड़ेगा। तो वही एक्स्ट्रा घंटे बैठना भाई जी ने हम लोग को बताया कि वो एक्स्ट्रा डेज, वो एक्स्ट्रा आवर्स, वो एक्स्ट्रा टाइम, वो एक्स्ट्रा थॉट हमको देनी होगी, तब हम जाकर तपस्या करके कुछ एक्स्ट्रा पा सकते हैं। और आई होप हम लोग सब लोग तपस्या का थोड़ा थोड़ा वो करेंगे और डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बड़ा उत्साह था कि रमेश भाई आएंगे और उषा दीदी भी आ रही थी, तो बड़ा दुविधा था इधर जाए कि दीदी का ऐसा हो रहा कि भाई मैंने भी सोचा कि घर के करीब इसको अटेंड करना चाहिए, लेकिन मेरा बड़ा बेटा बच्चों को लेने अपने ससुराल दिल्ली आया था, काफ़ी बीमार था, अचानक उसके पेट में दर्द शुरू हुआ तो मैं 6 तारीख को वहाँ चला गया था। तो ये हुआ कि अब ये प्रोग्राम गया तो 6 से 7 को एडमिट हुआ वहाँ एक नर्सिंग होम में, तो फिर मैं रात भर वहाँ रहा। तो 8 को फिर ये हुआ कि 2-4 बजे और पता लगा कि वो नर्सिंग होम रजिस्टर्ड नहीं है, तो मैंने कहा ये क्लेम नहीं हो पाएगा, चलो उनकी वहाँ चलते हैं लखनऊ। मैं 8 को रात को, एक ही मेरा रिजर्वेशन था उसमें, बेटे भाई को सुलाया, मैं जमीन पर सोया, उसको लेकर के मैं 7-9 को आया, 9 को शाम को शेखर हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा दिया, अभी भी हॉस्पिटल में है। तो लगा आप तो लड़के से, मैंने बोला यार देखो वो प्रोग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट है और बोला पापा वो चलता रहेगा आप टेंशन कर लीजिए। तो मैं फिर यहाँ मुरली में आया, मैंने बोला मुरली तो अटेंड करूँगा। तो आने के बाद ये हुआ कि नहीं ये अटेंड करना ही है प्रोग्राम। फिर बेटे भाव को मैंने फ़ोन किया, मैंने बोला भाई तुम संभालो दिन भर, तो मैं 9 को पूरा दिन संभाला, लेकिन कल 10 को अचानक 12 बजे पता नहीं क्या दिल में हुआ, मैंने कहा नहीं चलो तो आज उसको बहू को जाना था सुबह, मैं गया तो देखा कि उसको दर्द वगैरह शुरू अचानक उभर गया था, लेकिन शाम को काफ़ी आराम मिला। बहू का भी छोड़ना था मुझे आज, मैंने कहा आज भी गया प्रोग्राम, बहू का फोन आया कि नहीं मैंने पापा को बोल दिया छुट्टी एक सप्ताह और पढ़ा। तो ये बाबा का ही कमाल है, प्रोग्राम मिला बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाबा को हमेशा याद रखना चाहिए, बाबा सदैव सदैव हमारे साथ। कैसे 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 और मेरे संग संग चलते बाबा, और जो भी होता अच्छे के लिए होता है। और भी पक्का हो गया तो मालूम ही था, 5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन काफी कुछ पक्का हो गया। मेरा नाम सीबी वर्मा है, मेरा प्रोग्राम 5 से 13 तक इंगेज था, तो हमने दीदी से पूछा दीदी 5 से 13 तक मैं नहीं दे पाऊँगा। दीदी ने कहा कि आपको रमेश भाई के प्रोग्राम में रहना ही है, तो मैं 9 तारीख को आ रहा था बाराबंकी से घर से, तो एक रास्ते में पड़ा कर रोड में जुड़ रही थी, उस पर टकरा गया तो हल्की चोट लगे, हालांकि जितनी बड़ी पट्टी है उतनी चोट नहीं है लेकिन डॉक्टर ने पट्टी बड़ी से बांध दी। तो खैर हम आए यहाँ और प्रोग्राम अटेंड किया, प्रोग्राम भी आपका बहुत अच्छा लगा, कुछ नई चीज़ें भी सीखी हमने कि एक तो जैसे
ये सीखा मेरे बंधन चलते बाबा, और मुस्कुराना भी आपने अच्छा सिखाया है, तो ये अच्छा लगा मुझे। तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा आधे घंटा अपने बीच में था कि संकल्प और मेरे संकल्प का बाबा काफी तब से ये रहा। मैं बता रहा हूँ, 9 तारीख की बात है कि 9 तारीख को दीदी से उस दीदी से भी हम बहुत माइंड में देखते रहते सुनते रहते हैं। तो 9 तारीख को मैंने सोचा कि ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से ही जो है मैं ऐसा जाऊँगा। वहाँ 5:30 बजे योगा के 7 बजे आश्रम है, तो उस समय हमारे पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसी फाइल थी और मेरे पास स्कूटी थी, स्कूटी की करीब 1 हफ्ते से लाख खराब था। तो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा क्या ये फाइल है, इस फाइल को हाथ में लेकर के वहाँ जाना और क्या करना है। संकल्प लेकर मैं घर से गया था कि जाएंगे जरूर। ये संकल्प तपस्या धाम से आपको मुझसे मिला हुआ था, उसको मुझे याद आ गया, उसके आप आ रहे थे वो रिवाइव हो गया दीजिए, तत्काल दिमाग में आ गया। तो हमने कहा कि अब क्या करें, अगर मैं उस फाइल को लूँगा या स्कूटी में रखें कहीं गायब हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर मैं सुबह चलते ही घर चलेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। 2-3 किलोमीटर में आया, फिर मैंने कहा मैं संकल्प ले रहा हूँ कि मैं जाऊँगा। मैंने कहा था ये ट्राई करता हूँ, मैं उसका कहता है देखते हैं, अगर ये टिक्की तलाक सही हो जाता है। मैं ऐसे खोला और उसमें से एक स्प्रिंट ऐसे निकाला और फट से बच गए। मैं तुरंत गाड़ी बुक किया और ऐसा गया वहाँ पर दीदी का 9 तारीख को मैंने सुना, उसके बाद 9:30 बजे मैं वापस यहाँ आया। और मैं और अनुभव बता हूँ कि मेरा बाईपास सर्जरी हुआ है, डॉक्टर ने कहा थोड़ा सुबह जो है देर से उठना। यहाँ दिल्ली की यहाँ दिल्ली की दीदी लगातार क्या अच्छा। तो मैं डॉक्टर ने जैसे बताया कि सुबह तो मैं 3:30 बजे का अलार्म लगाया हूँ, 5 बजे का अलार्म लगाया, तो 3:30 बजे बसता हूँ मैं, 2 बजे सो जाता। डॉक्टर ने कहा ठंडी होगी, सिर्फ ठंडी से थोड़ा बताना चाहिए। 5 बजे में चूंकि मुरली में आना है, क्लास में आना था, उसके बाद मैं आ जाता हूँ। इधर मैं 3 दिन संकल्प ले लिया और 3:30 बजे जब मेरा अलार्म बजा, मैं तुरंत पहला संकल्प उठा, प्रणाम, गुड मॉर्निंग बाबा, मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बाबा, कैसे मुस्कुरा है, गुड मॉर्निंग बाबा, और वाह 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 वाह, हट सा कर रहे अंदर ठेका फटाफट कर कर सोच गया मैं। हमने कहा कि जाना भाई जी हमारे बैठे हुए, उन्होंने कहा 4:45 बजे हमको जो है पहुँचना है, नहीं हमारे यहाँ आप आ जाइए घंटे बजा दीजिएगा। मैं भूल गया, मेन रोड पर एकदम भाई मिल गए। हमने कहा बैठिए, स्कूटी में बैठाया, परसों उनको लेकर चलाया। मतलब पहले का मतलब मैं संकल्प ले लिया और तब से इतना फ्रेश, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं 3 दिन से घर पर अच्छा ही लगता, मैं कभी घर में नहीं रहूँ। आप नहीं बड़े ढंग से नहीं कर रहे हो लेकिन मन से तो ही है। मन बहुत अच्छा, बधाई हो भाई जी के लिए, और अच्छा अनुभव सुना है। मैं आप और से बता भाई जी कि मैं दिन में भी हम टैबलेट खाते हैं, हम शाम भी खाते हैं, रात में भी खाते हैं टैबलेट, दवा खाते हैं हार्ट वाला, हार्ट वाला बीमारी, मैं यह 3 दिन से दवाई नहीं खाई, भूल गए। बहुत अच्छा, बस रहना सबसे बड़ी मेडिसिन है। ओम शांति। मुझे बाबा से जुड़ने के बाद और योग भक्ति के बाद बहुत कुछ मिला, ये मैं शब्दों में नहीं कह सकती, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि मेरा जीवन कौड़ी से धीरे धीरे बन गया और मुस्कुराना सीखे मेरे संग संग चलता है बाबा। ओम शांति।